हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूँ आर्शम और स्वागत करता हूँ शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 आर्ट्स की तैयारी कैसे करें और बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क कैसे अचीव करें। यानी क्लास 12 जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में हम आर्ट्स की तैयारी कैसे करें जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं। तो अच्छे नंबर के लिए इस तरह से आपको पढ़ना होगा और जो बचे हुए महीने हैं आपके पास, यानी जो आपके पास बहुत कम समय है और इसे में आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एडवांस लेवल की, तो आज की इस वीडियो आप ही के लिए दोस्तों। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, या चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का ये वीडियो क्लास 12 आर्ट्स साइड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए आर्ट्स की तैयारी कैसे करें, क्लास 12 आर्ट्स साइड के स्टूडेंट जितने भी हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। देखिए क्लास 12 आर्ट्स साइड स्टूडेंट अच्छे नंबर के लिए आपको इस तरह से पढ़ना होगा, हम आपको आगे बताएंगे कि इस प्रकार से आपको पढ़ना है। दोस्तों देखिए क्लास 12 आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, यानी ये तीन भागों में डिवाइड होता है, यानी जो क्लास 12 के छात्र होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, साइंस के होते हैं और कॉमर्स के होते हैं। यानी आपको क्लास 12 में तीनों जो कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी में चाहे आप आर्ट्स लेते हैं या साइंस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, इनमें आपको क्या करना होगा, इनमें बस आपको पाँच ही सब्जेक्ट दिए जाते हैं, कंपलसरी रहते हैं, यानी पाँच सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। पहला आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ये तीनों आपका कंपलसरी है, तो तीनों में से जो आर्ट्स की साइड स्टूडेंट होते हैं वो अपना सिलेक्शन करते हैं, साइंस के अपना करते हैं और कॉमर्स के अपना करते हैं, यानी तीनों कैटेगरी अलग अलग है। पाँच सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो आपका कंपलसरी, यानी इनको आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखिएगा क्लास 12 के जो छात्र हैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इनको पाँच सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ना बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। दो लाइन आपके पंत है दोस्तों, आप वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट आपको जो टिप्स बताने से पहले दो लाइन जो पंत है ये आपके लिए है कि जीवन में उम्मीदों के सहारे चलना दोस्त, क्योंकि जीत ना सके तो भी अच्छे अनुभव तो साथ लेकर लौटोगे। तो जीवन में आप उम्मीदों के सहारे चलना, क्योंकि दोस्त क्या होते हैं ना कि अच्छे अनुभव, यदि आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो आप एक दोस्तों को क्या लेकर, आप एक अच्छे अनुभव लेकर साथ लौटेंगे। यानी आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर दिए जाते हैं, आपको निराश नहीं होना, बस आपको मेहनत करते रहना, अपना लगन से मेहनत कीजिए और प्रयास करते रहिए कि काफ़ी अच्छे मार्क आप अचीव कर सकते हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो किस्मत की आपकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि आपके सपनों को पूरा ना होने दें, बस आप मेहनत कीजिए और सफलता को आप जरूर प्राप्त करेंगे। ये अपना आप दो लाइन पंक्ति आप अपने अंदर उतार लीजिए, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आर्ट्स में हम पहले समझेंगे दोस्तों कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं वो पांच सब्जेक्ट, यानी वो चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, पांच सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहते हैं। मैं पाँचों में आपको बता दूँ, हिंदी इंग्लिश तो दोस्तों तीनों में कंपलसरी है, यानी हिंदी इंग्लिश जो है ये आपका तीनों जो यूपी बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं उनमें पाँच सब्जेक्ट जो कंपलसरी रहता है और उनमें दो सब्जेक्ट, यानी जो दो सब्जेक्ट कॉमन रहता है हिंदी और इंग्लिश, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तीन सब्जेक्ट आप अपने अदर चॉइस, अपने जो आप जो पसंद करते हैं वो आप उसके अनुसार ले सकते हैं। देखिए आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो हम क्लास 12 आर्ट्स के साइड स्टूडेंट हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैं पहले समझ देता हूं। देखिए पहला जो है आपका जियोग्राफी, जियोग्राफी रहता है, दूसरा है सोशियोलॉजी, तीसरा है आपका आर्ट्स, चौथा है होम साइंस, पांचवा है आपका इकोनॉमिक्स, छठवा है हिस्ट्री, सातवां है आपका पॉलिटिकल साइंस और आठवां एजुकेशन, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो ये दोनों आपका सब्जेक्ट कंपलसरी है, लेकिन जो ये आपका दोस्त जो ये लेकिन दो सब्जेक्ट है ये आपका, ये कंपलसरी है, आप बोर्ड एग्जाम में आप चाहे जो भी ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, आप दोस्तों जैसे हिंदी इंग्लिश ले लिया, ये तो ये आपका कॉमन है हिंदी इंग्लिश, तो कॉमन आपने ये हिंदी इंग्लिश तो सिलेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं इनमें से आप चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए या आर्ट्स ले लीजिए, तो ये तीन आपका दोस्तों पांच सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से काफी स्टूडेंट जो करते हैं हिंदी इंग्लिश ले लेते हैं, उसके बाद में साइकोलॉजी ले लेते हैं, जियोग्राफी लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, उनका भी पांच सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। कोई पॉलिटिकल साइंस ले लेता है या पॉलिटिकल साइंस ले लेता है, कोई इकोनॉमिक्स ले लेता है, साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश ले लेता है, ये भी आपका पांच सब्जेक्ट कंप्लीट हो। यानी पांच सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है और दो सब्जेक्ट आपका कॉमन है, याद रखिएगा, जो हिंदी और इंग्लिश है ये आपका कॉमन है दोस्तों, याद रखिएगा कॉमन है, ये आपका दोनों कंप्लीट है। और तीन आप सब्जेक्ट आप जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, आर्ट, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, जो होम साइंस है वो बेसिकली जो लड़कियाँ होती हैं वो लेती हैं, तो होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा पाँच सब्जेक्ट आपका है, दो आपका कॉमन रहता है, इंग्लिश
हिंदी और इंग्लिश, तीनों में से आप ये जो सेलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्ट्स की तैयारी के लिए दूसरा जो हमारा टिप्स है। पहला तो हमने बता दिया कि ये सभी सब्जेक्ट रहते हैं, इन सब्जेक्ट में जो आप के द्वारा जो कॉलेज के द्वारा पढ़ाया जाता है या कॉलेज के द्वारा जो निर्धारित हो कि आपको यही सब्जेक्ट लेना है या अपने अनुसार इच्छा अनुसार आप चुन सकें कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, तो आप वो ले सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए, आपको वो सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका उसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी रहेगी। देखिए दूसरा जो टिप्स है कि आर्ट्स की तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक से पढ़े दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, हमने पहला आपको बता दिया कि इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो याद रखिएगा। दूसरा जो है हमारा कि आर्ट्स की तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक से पढ़े, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट काफ़ी जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो पहले सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं। सिलेबस के अनुसार भी पढ़ना सही है लेकिन आपको समय के अनुसार बदलना होगा, यानी जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा चलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है, तो इसी अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, तो वीडियो भी जाइए चेकआउट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो ही हम बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए संभावना हो और बोर्ड एग्जाम में आए, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम भी काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं, बस आप लाइक कीजिएगा जरूर। देखिए आर्ट्स की तैयारी के लिए आपको क्वेश्चन बैंक से तैयारी ज़बरदस्त करनी होगी क्योंकि बुक से भी पढ़िए लेकिन क्वेश्चन बैंक आपके लिए ज़्यादा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं, क्वेश्चन आंसर जो रहते हैं उसी से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब कौन सा आप क्वेश्चन बैंक लें, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट यही रहता है कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक लें, आप तो बता दिए कि इस क्वेश्चन से बैंक से पढ़िए लेकिन कौन सा क्वेश्चन बैंक लें। देखिए पहला है आपका अरिहंत, अरिहंत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आपका विद्या क्वेश्चन, तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है लेकिन जो स्टूडेंट जो भी चाहते हैं वो करें, लेकिन जो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप विद्या क्वेश्चन का ही उपयोग करें, यानी जो विद्या क्वेश्चन बैंक है इसी का उपयोग करें, जो चाहे आप आर्ट्स के छात्र हैं दोस्तों सोशियोलॉजी का, या आप विद्या क्वेश्चन लेना चाहे जियोग्राफी का या सोशियोलॉजी का, होम साइंस का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, या हिंदी इंग्लिश कुछ कोई भी आप यदि विद्या क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप विद्या क्वेश्चन ही लीजिए, याद रखिएगा। अरिहंत का काफ़ी लोग लेते हैं, जिसको जो लगे, याद रखिएगा अरिहंत भी इंपॉर्टेंट है, विद्या क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको विद्या क्वेश्चन ही लेना चाहिए। तो ये हो गया आपको दूसरा जो हो गया हमारी तैयारी कि आर्ट्स की तैयारी के लिए आपको ये करना होगा। तीसरा हम बात करेंगे कि अपना टाइम टेबल एक बना लीजिए, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है, यानी आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से तैयारी करना है ताकि आपका जो आर्ट्स की सिलेबस है उसके अनुसार आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस आप मार्क अचीव कर सकें। तो आप अपना जो बचे हुए समय है, यानी आपके पास 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने है, उसके अनुसार आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए कि हमें इतना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे खाना है, जो भी हो आपका, इतने बजे आपको पढ़ना है, तो वो सभी आपको क्या करना है कि टाइम टेबल के अनुसार करना, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है तो आपको तैयारी भी जबरदस्त करनी और बोर्ड एग्जाम में आपको 95 प्लस मार्क भी लाना है, तो आपको ये सभी करना होगा। अपना टाइम टेबल एक शेड्यूल बना लीजिए कि करना है हमें, और हर सब्जेक्ट पर मेरा एक जो सजेशन है कि आप हर सब्जेक्ट पर, आपके पास कम समय है, ज़्यादा समय आप नहीं दे सकते हैं, तो आप हर सब्जेक्ट पर 1 घंटा जरूर दें, यानी अपना 1 घंटा आप अपना जरूर दें हर सब्जेक्ट पर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। मैं आपको हर सब्जेक्ट 1 घंटा देने के लिए मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ, आप 10 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर दे दीजिए, 10 मिनट आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दे रहा, 10 मिनट आपको जो दे रहा है उस पर किसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, और 10 मिनट आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे दे दी जाए, यानी आपको पर डे यदि आप एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन हल करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो अपना दोस्तों मैं बताऊंगा कि अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, अपने अनुसार बनाइए और हर सब्जेक्ट पर 1 घंटा जरूर दीजिए। तीसरा हमारा टिप्स यही था कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और शेड्यूल बनाइए, हर सब्जेक्ट पर बराबर 1 घंटा जरूर दीजिए। चौथा है हमारा, चौथा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी टिप्स है याद रखिएगा, ये कोई मेरे वो नहीं है, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आर्ट्स की तैयारी बेहतर करने के लिए आपको ये सब करना होगा। देखिए चौथा जो हमारा है, कमज़ोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा समय, ये काफ़ी स्टूडेंट जो कलते हैं वो सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं और जो उनको सिलेबस अच्छा लगता है, जो उनको सिलेबस अच्छा लगता है उसी को पढ़ते हैं और अदर सिलेबस को नहीं पढ़ते, अदर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, यानी उस पर आप यदि 1 घंटा ध्यान दें तो 2 घंटा ध्यान दीजिए और उसको पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, यदि आप मन लगाकर पढ़ने स्टार्ट कर देंगे तो जो कमज़ोर सब्जेक्ट है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दे सकेंगे, तो कमज़ोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। टारगेट 95% यदि आप रखना चाहते हैं तो 95% रखें और बोर्ड एग्जाम में जमकर मेहनत कीजिए, यानी आप बोर्ड एग्जाम में मेहनत इस प्रकार से कीजिए कि आपको
यही लक्ष्य आपका होगा कि 95% ही हमें मार्क लाना है, या जो भी आपने मार्क डिसाइड किया हो कि हमें 80% लाना, 85% लाना या 95% लाना है, वो आप अचीव कर सकते हैं। बस आप मेहनत कीजिए और लगन से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, याद रखिएगा। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाता रहता हूँ, जो आप यदि आप क्लास 12 आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वो सभी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को देखिए। अब आ रहा जो हमारा पाँचवा जो हमारा टिप्स है, हर सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी टिप्स है, याद रखिएगा। हर सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसी को आपको हल करना है। अब मैं बता दूं आपको, मैंने तो बता दिया इस वाले में कि आपको एक घंटा पढ़ना है, तो आप एक घंटा किस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आप हल कर सकें और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है सिलेबस के अनुसार आप खत्म कर सकें। तो एक घंटा आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़िए, और हर घंटे यानी एक घंटे में आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन को हल कीजिए। यानी एक घंटे में आपको 10 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देना है, और 20 मिनट आपको सब्जेक्टिव पर, 30 मिनट आपको क्या कर देना है, लॉन्ग क्वेश्चन पर दे देना है, या आपको जो भी दो हो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर भी देना है। तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा होता है, तो उस पर आप 30 या आधा घंटा दे सकते हैं, यानी आधा घंटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर देना है, उसको हल कीजिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो काफी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहा, क्या करें? तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद करके उसके बाद में आपने कॉपी पर लिखिए। यदि आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं है तो आप पर डे 2 पेज लिखेंगे और कॉपी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, तो आपका दो काम साथ में होगा, एक आपका क्वेश्चन आंसर याद होगा, दूसरा आपका होगा कि राइटिंग जो है आपकी इंप्रूव होगी, वो आपकी सुधरेगी राइटिंग। तो राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए। राइटिंग को आप ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कीजिए और तैयारी जबरदस्त कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन को आप जरूर हल करें, और तैयारी आप जबरदस्त कर पाएंगे, बस आप मेहनत कीजिए। मेहनत यदि आप करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, याद रखिएगा। हर सब्जेक्ट में आपको यही सब करना है, एक चैप्टर एक घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को लेकर साथ में चलना है, एक घंटा आपको जरूर देना है। अब आपको दोस्तों 5 सब्जेक्ट है, तो 5 या 6 घंटा आपको जरूर देना है, याद रखिएगा। 1 घंटा आप हर वीक को, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हर वीक को अपना एक टेस्ट लेना है हर सब्जेक्ट पर कि हमने तैयारी जो की है वो सही है या नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट पर तैयारी, आपको अपना जो आपका पास कम समय है और कम समय में अपने आपको टेस्ट करना भी जरूरी है। तो अपने आप को टेस्ट कीजिए कि हमने जो तैयारी की वो जबरदस्त की है या वैसी की वैसे ही है। आप तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए। अब हमारा जो 6वां टिप्स है, हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, हर सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है पिछले 5 सालों का हल करें। यानी जो सब्जेक्ट है वो चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस लिया या साइकोलॉजी लिया हुआ है या ज्योग्राफी लिया हुआ, तो हर जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश जो भी हो, आपको हर सब्जेक्ट यानी पिछले जो पाँच साल बीत चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम के, उसके मॉडल पेपर आपको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। इसको मॉडल पेपर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, कहीं से भी आप लाइए, लेकिन हर मॉडल पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यदि आप पिछले पाँच सालों का मॉडल पेपर या 3 ही सालों का मॉडल पेपर यदि आप सॉल्व कर लेंगे, तो बोर्ड में आपको 30 से 40 नंबर, मैं गारंटी लेता हूं कि 30 से 40 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, और आपका एक अनुभव हो जाएगा किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। न्यू ऑफिशियल मॉडल को भी चेक करें, क्योंकि जो आप यदि मैं यूपी बोर्ड से हूं, तो यूपी बोर्ड जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPMSP, आप जाइए वहां पर भी चेक कर सकते हैं, मॉडल पेपर वहां पर भी जारी होता है। जो बिहार बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के लिए भी उसका होगा, जो भी अदर बोर्ड है अपना अपना बोर्ड के जाइए चेक कीजिए। यूपी बोर्ड का दोस्तों UPMSP है, वहां पर आप जाइए चेकआउट कर दीजिए, वहां पर आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो जो भी अदर बोर्ड के हैं उनको जाइए, वो मॉडल पेपर वहां पर जाएंगे अपने वेबसाइट पे, आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। लेकिन जो हर सब्जेक्ट यानी 3 साल जो बीत चुके हैं, जो पेपर का जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आया था उसको आपको सॉल्व करना है, और ऑफिशियल मॉडल के ऊपर पेपर को भी हल करते रहना, ताकि आपका एक वो बना रहे कि हाँ बोर्ड एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको एक तरीका मिल जाएगा कि इस प्रकार से 30 से 40 नंबर आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा दोस्तों। यही यदि आप मेथड फॉलो करते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, सब जबरदस्त है। और अब हमारा 7वां और आखिरी है कि हर एक चैप्टर, देखिए हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दें। यानी आपको ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, यदि आपके पास 2 महीने है 1 महीने है, तो आप क्या कीजिए, आप चैप्टर वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते रहना है, ताकि पढ़ते रहने से क्या होगा कि आपको गोश क्वेश्चन को, जो गुश क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको सॉल्व करते रहना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आता है, ना कि सिलेबस ही आपका आउट ऑफ।
तो आप सिलेबस से बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ तैयारी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही कीजिए। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि हमने 7 टिप्स इसमें बताए थे, 7 टिप्स है दोस्तों, महाबाण है, याद रखिएगा महाबाण है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो। फॉलो आप कर दीजिए दोस्तों, फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में जो आपका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। बस आप यही सब मेथड फॉलो कर दीजिए दोस्तों और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, देख सकते हैं हमने सभी इंपॉर्टेंट टिप्स को बताया है, जो मुझसे हो सका है हमने सभी को बताया हुआ है। तो 2 इंपॉर्टेंट पंक्ति थी ये भी हमने बता दिया है। तो ये क्लास 12 जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने पूरा डाउट क्लियर कर दिया है कि आर्ट्स की तैयारी कैसे करें। तो आई होप ये पूरा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।